क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज मिसिंग लेटर ठीक है ये अरेंजमेंट दिया हुआ है हमें मिसिंग लेटर फाइंड करना है तो मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को तो so, सबसे पहले अरेंजमेंट लिख देते हैं ए बी ए बी देन हमारा मिसिंग लेटर है देन बी डैश बी सी डी बी सी बी है ये देन डैश देन डी सी डी सी डी ई डी डैश डी सो so, मैंने यूपीएससी का एक ट्रेंड मैंने पता किया कि हमेशा यूपीएससी इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे ना कि ये जितना नंबर है पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितना आ रहा है तो टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी सो ट्वेंटी लेटर है सो so, नेक्स्ट काम हमारा होगा कि बीस से इसको डिवाइड कर देंगे ये यू पैटर्न पर हम लोग बोल रहे हैं इसका बहुत सारा अप्रोच है बहुत सारा वेरियंट है बट यू जनरली इसी वेरियंट पर क्वेश्चन देता है हमेशा आप चेक करके देख सकते हैं या मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने इसी वेरिएंट पे हर क्वेश्चन करवाया है तो यूपीएससी जनरली उतना मैथमेटिकली टफ़ नहीं देता है तो वेरिएंट वो चेंज जल्दी नहीं करता है so सो मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली आई थिंक आप एटलीस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मूला पे वो यू क्वेश्चन देगा सो so पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो एक्जैक्टली टेन पे हम डिवाइड कर देंगे टोटल ट्वेंटी नंबर है हमारा तो टेन पे डिवाइड कर लेंगे तो सिक्स सेवन एट नाइन टेन मतलब यहाँ से डिवीज़न हो जाएगा तो मैंने बताया था कि जो पहला नंबर होगा उसे हम जहाँ से डिवीज़न किए उसका पहला नंबर से मैच करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ रिलेशन मिल गया तो ठीक है उससे प्रोसीड करेंगे अगर नहीं मिला तो इसका पहला नंबर जो है लास्ट से हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट ए और यहाँ पर जो हमें कुछ नहीं है उसको मैच करना स्टार्ट करना तो अभी तो फर्स्ट से नहीं हो सकता सेकंड से ट्राई करते बी बी के जगह पे हमारा क्या हो गया इधर से दूसरा डी आ गया मतलब बी के जगह पे डी आया है नेक्स्ट आते हैं ए आया ए के जगह पे सी आया है मतलब ए के जगह पे सी आया है मैं लिखते भी जा रहा हूँ देन बी के जगह पे डी आया है मतलब यही इक्वेशन आ रहा देन डैश है डैश के जगह पर अभी ये सी है अभी डैश को नहीं देखते नेक्स्ट देखते हैं बी के जगह पे ये डी बी के जगह पे डी आया फिर वही आया फिर डैश के जगह पे ई e. इसका मतलब इससे एक ट्रेंड पता चल रहा है कि जो हमारा नंबर है उसमें एक नंबर जैसे टोटल नंबर कितना टोटल लेटर क्या है यहाँ पर ए बी सी डी ई ये पांच लेटर का ही यूज़ हुआ है पूरा सीक्वेंस में तो इस दो ट्रेंड से क्या पता चल रहा है कि जो भी नंब लेटर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा बॉर्डर दे दिए हम लोगों ने उससे एक लेटर स्किप करके हमारा आगे आ रहा है अगर बी है तो सी स्किप करके डी हम लिख दे रहे हैं ए है तो बी स्किप करके सी लिख दे रहे हैं उसी ट्रेंड में हम लोग आंसर लिखेंगे तो ये फिफ्थ नंबर का पोजिशन है सो राइट में फिफ्थ देखेंगे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब सी है सो so, सी है तो इसका मतलब यहाँ पर ए होगा तभी तो बी स्कीप होकर सी होगा तो ये हो गया क्लियर देन अभी फर्स्ट नंबर हम लोगों ने निकाला नहीं सो so, ये फर्स्ट निकालने के लिए हम ये वाला ए देखेंगे तो अगर यहाँ पर ए है तो बी स्कीप करके यहाँ सी लिख देंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट नंबर देख लें एक दो तीन चार पाँच छः सात सातवें नंबर पर है तो यहाँ से सातवें देखेंगे पाँचवें ये है ये छठे सातवें सातवें में ई आ रहा इसका मतलब इस पोजिशन पर सी होगा तब डी स्किप करके ई आएगा देन हमारा लास्ट बच गया दिस वन सो इधर से लास्ट देख लेते हैं यहाँ सी है यहाँ सी है इसका मतलब है डी एक स्किप होगा और यहाँ ई आएगा मतलब हमारा हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर ए सी सी ई ऑप्शन देख लेंगे ए सी सी ई हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पे है सो so, हम लोग यही अप्रोच यूज करेंगे जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए सेम अप्रोच यूज करना है आपका आंसर निकल जाएगा मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी देता हूँ उसके लिए क्योंकि मैंने तीन या चार क्वेश्चन कराया है ये 2020 का क्वेश्चन है 2023 में 22 में 21 में उसमें भी शायद दो क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन लगभग इसी ट्रेंड पे ये ट्रेंड ही फॉलो कर रहा था सो so, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यू पी सी सेट दो का कम्प्लीट सॉल्यूशन का प्ले मेरे चैनल पे अवेलेबल है साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू